डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है चैनल साइंस गुरु एट द रेट रामदिया लाडवा। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, टेंथ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ पढ़ेंगे हम चैप्टर फर्स्ट के। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, यानी धीमी और तेज अभिक्रियाएं हमने छाटनी है। अभी कौन सी अभिक्रियाएं तेज होंगी, फास्ट होंगी और कौन सी स्लो होंगी। पहला है सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का बैठना। सीमेंट तो धीरे धीरे बैठती है भाई, दैट मीन्स की स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन धीमी अभिक्रिया है, धीमी अभिक्रिया है सेटिंग ऑफ सीमेंट। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, इनर्ट क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, भूपरपट्टी के नीचे कोयले का या पेट्रोलियम का बनना, ये भी स्लो प्रोसेस है, स्लो है, धीमा प्रोसेस है, करोड़ों वर्षों में बनता है पेट्रोलियम जीवाश्म से, फॉसिल फ्यूल से, तो स्लो प्रोसेस है ये भी आपका। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड और H2SO4 के बीच रिएक्शन, जिसमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका जो है बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है साल्ट आपका, तो आपकी रिएक्शन जो है क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी भाई, तेज रिएक्शन आपकी जो है होगी, फास्ट रिएक्शन आपकी जो है होगी। तो पहला क्वेश्चन ये था। फिर है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में कहता है कि किसी रिएक्शन के रेट पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है कैटालिस्ट का, यानी अभिक्रिया की दर पर कैटालिस्ट उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चैप्टर जब हमने किया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटालिस्ट जो होते हैं, वे केमिकल सबस्टांस हैं, वे रासायनिक पदार्थ हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, अल्टर, अल्टर मतलब बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब वो घटा भी सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, बढ़ा भी सकते हैं। घटाने वाले उत्प्रेरक कहलाएंगे नेगेटिव कैटालिस्ट, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक कह सकते हैं आप, या ऋणात्मक उत्प्रेरक। बढ़ाने वाले कहलाएंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट, यानी कि धन उत्प्रेरक, धन उत्प्रेरक कहलाएंगे आपके बढ़ाने वाले। लेकिन मान लो किसी रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन है N2+3H2 गोज टू 2NH3, ये सारी गैस है, ये भी गैस बनेगी, यहां हमने लिख दिया आयरन कैटालिस्ट, आयरन Fe, और हमने बताया नहीं कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप लोग उस केस में, अगर आपको बताया नहीं गया कि कैटलिस्ट कौन सा है, तो आप ऐसे कैटलिस्ट को हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट ही मानेंगे, ऐसा कैटलिस्ट हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट ही जो है रहेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही श्रेणी में जो है वो आएगा, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही आपका जो है रहेगा, उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट ही जो है मानेंगे। अब कैटलिस्ट होते क्या है, डेफिनेशन पे एक बार फिर हम गौर करते हैं। उत्प्रेरक या कैटालिस्ट वे केमिकल सबस्टांस हैं, यानी रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक
पदार्थ हैं, यानी कि केमिकल सबस्टांस हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को यानी अभिक्रिया की दर को चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो ऋण उत्प्रेरक, बढ़ाएंगे तो धन उत्प्रेरक। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट का पॉजिटिव नेगेटिव जिक्र ही नहीं करते तो हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट ही रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। लेकिन ये परिभाषा अभी तक पूरी नहीं हुई है, आगे हम बोलेंगे कि वे केमिकल सबस्टांस, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, अल्टर कर देते हैं, लेकिन उनकी स्वयं की रासायनिक संघटकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनकी स्वयं की रासायनिक संघटकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका जो खुद का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, खुद का जो रासायनिक संघटक संगठना है, उस पर कोई बदलाव नहीं पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और आयरन कैटलिस्ट है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, रिएक्शन पूरी होने के बाद आयरन आपका ज्योंका तो रहेगा, आयरन पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे कहलाते हैं आपके उत्प्रेरक। हाइड्रोजन परोक्साइड की डिकम्पोजिशन की रेट, जो है हाइड्रोजन परोक्साइड की आपकी, इसमें अगर हम फास्फोरस एसिड H3PO3 यूज करें एज ए कैटालिस्ट, तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट होगा भैया आपका। क्या होगा ये? नेगेटिव कैटालिस्ट, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड को ये क्या कर देगा? स्लो कर देगा भी, घटा देगा, डिक्रीज कर देगा, इसलिए हम कहेंगे कि एक नेगेटिव कैटालिस्ट है। नेगेटिव कैटालिस्ट वे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, उन्हें हम नेगेटिव कैटालिस्ट का जो है नाम देंगे। तो ये है भाई इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन ए केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस, निम्न अभिक्रियाओं की व्याख्या करें, वही परिभाषित करें, उदाहरण दीजिए। जैसे तो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहली है डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और चौथी है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहली रिएक्शन पर, जिसको हम कह रहे हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट अभिकारक हीट के प्रभाव में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, उत्पादों में टूट जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिसोसिएशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग जो है डिसोसिएशन रिएक्शन का जो है नाम देंगे। यानी कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारकों में जो है टूट जाता है, उसको हम लोग जो है डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया का जो है नाम देंगे। जैसे 2SO3 हीट दी 2SO2 प्लस O2, ये भी जो है एक वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जो है आपकी डिसोसिएशन रिएक्शन जो है कहलाती है। दूसरा है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन हम क्या देंगे, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देती है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देती है, यानी हिंदी में कहेंगे अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से साल्टी सॉल्यूशन जो होता है उससे बाहर निकाल देती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है नाम देते हैं। कैसे, जैसे ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चली हुई है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, ये था कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन और हमने इसमें डाल दिया जिंक, तो जिंक क्या है, कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा, इसके साल्ट से कॉपर के साल्ट, कॉपर साल्ट कौन, कॉपर सल्फेट, इससे कॉपर को बाहर निकाल देगा और खुद साल्ट बना लेगा जिंक सल्फेट, खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। ऐसे ही मान लो हम इसका उल्टा करें तो रिएक्शन नहीं होगी, जिंक सल्फेट में अगर कॉपर डालें तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है इसलिए वो उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि इसी रिएक्शन में हम लोग पोटेशियम डाल दें तो क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट और प्लस जिंक रिम हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम जो है वो जिंक से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से यानी उसके लवणीय विलयन से रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया का जो है हम नाम देते हैं। तो ये है भाई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। फिर है भाई एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जिनको हम कह रहे हैं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा विमुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग जो है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया जो है कहते हैं, ऊष्मा अक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो है हम कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो रिएक्शन के पश्चात ऊष्मा के अभिक्रिया के दौरान हमें ऊर्जा देती हैं, एनर्जी देती हैं, उनको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं जो है कहते हैं। जैसे मिथेन का एक मोल मैंने बर्न कर दिया, ये बर्न किया मैंने, उसके बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, और एक मोल मिथेन के बर्न करने से ऑक्सीकरण से हमें 890.4 किलो जूल एनर्जी मिलती है भाई, किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल जलाने से 890.4 किलो जूल हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा हमें जो है मिलती है। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं क्या, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, उनको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन का जो है नाम देते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, सारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं, जैसे इथेन है आपका, इथेन को भी अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो वो भी CO2 और H2O ही बनाएगा, और लगभग 1208 किलो जूल पर मोल के आसपास जो है आपको एनर्जी देगा भाई, 1208 किलो जूल पर मोल। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा विमुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उन्हें हम हीट इवोल्ड होती है, उन्हें हम लोग जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का जो है नाम देते हैं भाई। लास्ट रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो कभी कंप्लीशन को प्राप्त नहीं होती, जो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हुई, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट वापस जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है नाम देते हैं भाई। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो और प्रोडक्ट में पावर हो, प्रोडक्ट में एबिलिटी हो कि वो वापस जो है डिसोसिएट होके या कंबाइन होके वापस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करता हो, रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है भाई। यानी अभिकारक मिलके उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद वापस आपके जो है कन्वर्ट होते रहेंगे किसमें, अभिकारकों में। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH एक्वस फॉर्म में, गिल्ली फॉर्म में टूटेगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, और ये दोनों आयन में एबिलिटी है कि वापिस मिले क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड। ये निशान है रिवर्सिबल का। इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक तो अगर अभिक्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं अगर अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन,
और दूसरी होती है उत्क्रम अभिक्रिया, बैकवर्ड रिएक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। यानी दो रिएक्शन होंगी, एक बार तो फॉरवर्ड चलेगी रिएक्शन, और जैसे ही प्रोडक्ट की एक लिमिट बन जाएगी, प्रोडक्ट वापस जो है आपके कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे रिएक्टेंट में। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम हिंदी में कहते हैं, जिसमें अगर अभिक्रिया भी हो और उत्क्रम अभिक्रिया भी हो, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो। और ये आपको बताई है कि यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि जो दर है अभिक्रिया की, किसकी, अगर अभिक्रिया की वो उत्क्रम अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका जो है बन जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जहां रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, तो वहां जो है अभिक्रिया की, अगर अभिक्रिया की दर उत्क्रम अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्टेट को हम साम्य अवस्था कहेंगे, यानी इंग्लिश में उसको इक्विलिब्रियम बोल लेंगे वही। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अगर अभिक्रिया और उत्क्रम अभिक्रिया दोनों होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का जो है नाम देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जिनको हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट के। और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे उसके लिए। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर 10th के और 9th के इसी तरह से मिलते रहें। तो बहुत सारे बच्चे अभी वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।